नमस्कार प्यारे छात्रों, मैं शांतिनाथ झा। आज मैं षष्ठ वर्ग के छात्रों को संस्कृत में पंचम पाठ चतुरह श्रृगाला से प्रश्नोत्तर बताने जा रहा हूँ। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, काकस्य मुखे किम अस्ति? काकस्य मुखे एका रोटिका अस्ति। श्रीगालः किम इच्छति? श्रीगालः रोटिकां खादितुम इच्छति। कृष्णवर्णीयः कः आसीत्? कृष्णवर्णीयः काकः आसीत्। कस्य मुखात् रोटिका अधः पतति? काकस्य मुखात् रोटिका अधः पतति। कः चतुरः अस्ति? काकः अथवा श्रीगालः? श्रीगालः चतुरः अस्ति। प्रश्न संख्या 2, रिक्त स्थानानि पूरयत्। खाली स्थान को भरिए। वृक्षम अधः श्रीगालः आगतः। भवान् गीतं गायतु। प्रशंसां श्रुत्वा प्रफुल्लितः जातः। तस्य मुखात् रोटिका पतिता। श्रीगालः रोटिकाम् अखादत्। प्रश्न संख्या 3, सम्यक् विकल्पम् इति चिह्नेन चिन्हांकितं कुरुत। सही विकल्प को सही चिन्ह से चिन्हांकित करें। क, बुद्धिर्यस्य बलम तस्य। ख, चतुरः आसीत् श्रीगालः। ग, कस्य वर्णः कृष्णः? काकस्य। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखितानां शब्दानां लिंगं विभक्तिं वचनं च लिखत। निम्नलिखित शब्दों के लिंग विभक्ति एवं वचन लिखिए। क, मंदिराणां नपुंसकलिंग षष्ठी विभक्ति बहुवचन। ख, वृक्षम पुल्लिंग द्वितीया विभक्ति एक वचन। ग, मधुरम नपुंसक लिंग प्रथमा द्वितीया एक वचन। घ, तस्य पुल्लिंग नपुंसक लिंग षष्ठी एक वचन। ताम स्त्रीलिंग द्वितीया एक वचन। आनंदेन पुल्लिंग नपुंसक लिंग तृतीया एक वचन। मित्रस्य नपुंसक लिंग षष्ठी एक वचन। ज, बलम पुल्लिंग द्वितीया एक वचन। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखितानि वाक्यानि संशोधयत्। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। काकस्य स्वरः मधुरः नास्ति। कः वृक्षस्य उपरि उपविष्टः? बुद्धि यस्य बलम तस्य? एषा रोटिका काकेन खादिता? श्रीगालः चतुरः अस्ति? वने काकः आसीत्। प्रश्न संख्या 6, संस्कृति अनुवादं कुरुत। राम के छोटे भाई भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न है। रामस्य कनिष्ठा भ्रातरः भरतः लक्ष्मणः शत्रुघ्नश्च सन्ति। पैर के नीचे एक सियार आया। वृक्षस्य अधः एकः श्रीगालः आगतः। वह मेरी किताब है। तत् मम पुस्तकम् अस्ति। वह सफेद वस्त्र पहनता है। सः श्वेत वस्त्रं धारयति। मेरे पिता मेरे लिए फल लाते हैं। मम पिता मह्यं फलानि आनयति। मुझे दूध अच्छा लगता है। मह्यं दुग्धं रोचते। प्रश्न संख्या 7, हिंद्याम अनुवादं कुरुत। हिंदी में अनुवाद कीजिए। तव विद्यालयस्य नाम किम् अस्ति? तुम्हारे विद्यालय का नाम क्या है? त्वं कस्यां कक्षायां पठसि? तुम किस कक्षा में पढ़ते हो? मम विद्यालयः एकस्मिन् नगरे अस्ति। मेरा विद्यालय एक शहर में है। मम गृहमपि नगरे एव अस्ति। मेरा घर भी शहर में ही है। अहम स्वमात्रा सह आपणं गच्छामि। मैं अपनी माता के साथ दुकान जाता हूँ। प्यारे छात्रों, आज मेरे द्वारा षष्ठ वर्ग के छात्रों को संस्कृत में पंचम पाठ चतुरा श्रीगाला से प्रश्नोत्तर कार्य करा दिया गया। फिर अगले क्लास में मेरे द्वारा बताया जाएगा। धन्यवाद।